हे गाइस वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उसके जो टाइप्स थे ब्रेवियस लैटिसेस थे 2D 3D ने देखा था, और BCC FCC और सिंपल क्यूबिक इन तीनों टाइप्स को हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन से उसके साथ में देखा था। ठीक है, तो आज क्या सीखने वाले हैं? आज जो हम लोग BCC और सिंपल क्यूबिक और FCC तीनों जो हमारे स्ट्रक्चर थे उनको पढ़ा था, उसी में आगे हम उनके एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन और जो किसी भी हमारे यूनिट शेल है उसकी जो डेंसिटी होती है या उसका वॉल्यूम होता है और जो उसकी जो हमारा डायमेंशन होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो और दूसरी चीज़, अगर बैकग्राउंड में आपको आज थोड़ी सी शोर हो रहा हो तो थोड़ा सा प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा बेईमान है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान ना दें आप, केवल मेरी आवाज़ सुने। आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही हो। तो आज अपन कैलकुलेट करने वाले एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं क्या, वो देखते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक कोई भी यूनिट शेल है, लाइक सिंपल क्यूबिक का यूनिट शेल हो सकता है, BCC का हो सकता है, FCC का हो सकता है, किसी का भी एक हो सकता है। तो मान लो एक यूनिट शेल है, और उस यूनिट शेल में लेट अस सपोज आपके पास है कि ये सिंपल क्यूबिक था, इस तरह से था ये। तो ये सिंपल क्यूबिक, इसको हम बना देते हैं ये 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 ये। ठीक है, अब अगर आप इसका, ये तो आपका जो एक तरह से डायग्राम बनता है इसको हम इस तरह से कहते हैं, बट एक्चुअल में किस तरह से होता है कि सारे जो एटम्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, लाइक दिस। आप इसमें देख सकते हो कि जो सारे के सारे एटम्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बट फिर भी इसमें जो मिड वाला एरिया है उसमें थोड़ा सा गैप रह जाता है। अगर आप समझ पा रहे हो फिगर से जो आपको ये दिख रहा है, इससे आप समझने की कोशिश करो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको फ्रंट व्यू अगर देखो तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से होगा, बट फिर भी बीच में कुछ स्पेस जो होगा वो स्पेस खाली रह जाता है, ये वाला स्पेस। ठीक है, तो एक्चुअल में तो हमारा जो एटम था, सॉरी जो यूनिट शेल था वो इस तरह का था, बट ये इसमें खाली जगह। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि उस पूरा जो इसमें एरिया जो एटम्स घिरे हुए हैं उसमें से उसने जो उनके एटम्स ने घेरा हुआ है वो एरिया कितना है, वो रेशियो कितना है, कि मतलब टोटल जो वॉल्यूम घेरा हुआ है टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम उनके एटम्स ने घेरा हुआ है और कितनी खाली जगह है, इसी चीज़ को बताता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। बात क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका सिंपल क्यूबिक बना हुआ है, इसी के लिए हम समझते हैं कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किस तरह से निकालते हैं। तो सिंपल क्यूबिक जब आपके लिए होता है तो सिंपल क्यूबिक में एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, तो सारे एटम्स एक दूसरे से चिपके हुए लाइक दिस, है ना। फिगर हमने फालतू में साफ कर दिया, इस तरह से था। ठीक है, तो अब ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये आपका जो इसका साइड है इस स्क्वायर का या इस क्यूब की साइड है ए। ठीक है, और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो तो इसकी रेडियस और इसमें डायमीटर में क्या, सॉरी जो इसकी लेंथ है उसमें क्या रिलेशन है, कि जो ए है वो आर प्लस आर यानी 2r के बराबर है। यहां तक बात क्लियर? यानी r की जो वैल्यू है दैट इज ए बाई 2। ऑल राइट, अब अगर अपन वो ध्यान सोचे तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम विल बी ए इंटू ए इंटू ए यानी ए क्यूब, और जो हमारा जो इन्होंने जो हमारे एटम्स हैं उन्होंने जो एरिया कवर किया है, सॉरी जो वॉल्यूम कवर किया है, वॉल्यूम कवर्ड बाई एटम्स, एटम्स का वॉल्यूम जो है दैट इज, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो टोटल एक एटम के अंदर, सॉरी एक यूनिट सेल के अंदर कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं, एक। तो एक एटम है और उसका वॉल्यूम कितना है, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³। यहां तक कोई दिक्कत? ये बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किस तरह से निकालेंगे, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम कवर्ड बाई द एटम्स यानी 4/3 πr³ अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी ए क्यूब।
ठीक है, तो ए की वैल्यू यहां से कितनी रखेंगे, 2r, यानी कितना जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 2r, यानी इसका क्यूब जब करेंगे 2 2 4 2 8 8r क्यूब, ठीक है। अब इसको कल कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 2 8 यानी पाई बाई सिक्स सॉल्व कर लें इसको, 3.14 डिवाइडेड बाई 6, यानी यहाँ जाएगा हमारा 6 5 जा और 6 2 जा अपॉन 0.52 के आसपास। तो जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 52%। यहाँ तक बात क्लियर है, इसको नोट करो। तो अब अपन चलेंगे जो हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर होता है उसकी तरफ, बीसीसी, ठीक है, बीबीसी नहीं है, बीसीसी है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। चलो फिगर बना लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस पर जब एटम्स प्लेस करेंगे तो कुछ इस तरह से होंगे। इस तरह से, ठीक है। बट ये तो जो हम फिगर एक तरह से जो बुक की डायग्राम है वो बनाते हैं, बट इसका जो एक्चुअल डायग्राम होता है वो तो कुछ इस तरह का होता है। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो होगा क्या कि जो हमारा ये वाला जो स्फीयर था, ठीक है, और ये वाला जो स्फीयर था और ये वाला जो स्फीयर था, ये तो आपस में टच कर रहे होंगे। लाइक जब आप इसमें देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये तीनों तो टच करेंगे, बट ये दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये तीनों टच करेंगे तो ध्यान से देखो तो ये आपका जो डायगनल है वो कौन सा है, क्यूब का डायगनल है। तो क्यूब के डायगनल की जो लेंथ होती है दैट इज √3a, ये आपको पता होगा। तो √3a जो है वो किस तरह से, ये तीन टच कर रहे हैं आपस में, तो यानी इनकी टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है आपका √3a, यानी r + 2r + r यानी 4r। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/√3 × r, ऑलराइट। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, ध्यान से देखो जो वॉल्यूम कवर्ड है, वॉल्यूम कितना कवर्ड है, ध्यान से देखो जो बीसीसी होता है, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कल अपन निकाले थे वो कितने थे हमारे, 2 × 2 एटम्स हैं, और एक एटम का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4/3 πr³ अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, a³, ठीक है। a³ की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा, 2 × 4/3, इसको 8/3 कर लेते डायरेक्ट, सॉरी 8/3 πr³ अपॉन ए क्यूब की वैल्यू, इस क्यूब कर दो, 4 4 16 और 64 आर क्यूब इंटू √3 का क्यूब करेंगे यानी 3√3, करेक्ट है। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल आउट, 8 8 जा ये कैंसल आउट, 1 3 से 3 कैंसल आउट, ये आपका कितना आ गया, π√3/8, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करो, आप खुद से कैलकुलेशन करके देखो इसकी, ठीक है। तो कितनी इसकी वैल्यू आई, ध्यान से देखो हमने कैलकुलेट किया होगा तो यार इनको कुछ 0.679 के आसपास, ऑलमोस्ट 0.68 के आसपास, यानी जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, दैट विल बी 68%, ऑलराइट। तो नोट हो गया यहाँ तक, अब चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो कितना आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसमें हम एटम्स को प्लेस करते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये फिगर तो आपको जाहिर सी बात है कंफ्यूज करता है, तो आप ये वाला फिगर देखें, ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम में अगर बहुत ध्यान से आप देखें तो जो हमारे इस पे आके समझते हैं, जो ये वाले हैं ये भी आपके टच नहीं कर रहे एक दूसरे से, ठीक है, बट जो ऊपर वाले होंगे ये आपस में टच करेंगे कुछ इस तरह से। देखो ध्यान से जब इसका हम अपर व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमको, ये इसका अपर व्यू है, ये आपको मिक्की माउस जैसे दिख रहा होगा बट ये इसका अपर व्यू है। तो अपर व्यू में ये आपस में टच कर रहे हैं, और ये जो है ये एक स्क्वायर का डायगनल है, एक स्क्वायर के डायगनल की जो लेंथ होती है दैट इज √2
ए इज इक्वल टू आर टू आर फिर आर यानी फोर आर, यहां तक कोई दिक्कत? यानी इसका मतलब क्या है, यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो टू रूट टू, ठीक है ना, ये रूट इधर रूट टू इधर जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी टू रूट टू इंटू आर, करेक्ट है? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ऑलराइट, कितना आ जाएगा ये टोटल एटम कितने होते हैं एफसीसी में, कल अपन पढ़े थे चार, तो यानी चार एटम, एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू रख दो 4/4 16/3 पाई आर क्यूब बटा इसकी क्यूब कर देंगे, यानी 2 2 4 2 8 यानी 4 2 × √2 √2 करेक्ट है, इंटू आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल आउट, कितना आ गया ये 8 2 16 16 16 कैंसल आउट, ये आपका बचा पाई बाई 3√2, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व किया कितना आया इसमें आपका, आई होप ये आ रहा होगा 0.74 के आसपास, 737 के आसपास ये आ रहा होगा, इसको ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं 0.74, यानी इसका जो परसेंटेज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितना आएगा, दैट इज 74% ऑलमोस्ट। तो यहां तक आई होप आपको बातें समझ आई होंगी, तो अब इन तीनों में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, क्या कंपैरिजन करते हैं उसको समझते हैं, देखो ये नोट कर लिया, देखो जो हमने सिंपल क्यूबिक पढ़ा, सिंपल क्यूबिक में जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आया दैट इज कितना था हमारा 52%, ठीक। जो हमने बीसीसी पढ़ा ये किसके लिए था, सिंपल क्यूबिक के लिए, जो बीसीसी पढ़ा उसमें आया 68%, यह था बीसीसी के लिए, और एफसीसी के लिए कितना आ गया हमारा 74%। इन सब का मतलब क्या है, अगर आप वो ध्यान से देखो, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो हमारा ए क्यूब वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में जो एक्चुअल जो हमारे एटम्स होते हैं वो कितनी जगह घेरे होते हैं, दैट इज 52%, यानी ए क्यूब जो जगह है उसमें से 48% जगह खाली होती है। आप खुद इमेजिन करें, आप इस तरह से करें, चार लड्डू ले, हालांकि आपको एक्सपेरिमेंट लड्डू से करने का मन नहीं करेगा, तो आप किसी काला नहीं नहीं उससे तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो आप किसी दूसरी चीज से कर सकते हैं, तो आप क्या करें, मान लो लड्डू ले लिए, मैंने ले लिए, ठीक है, तो लड्डू लिए, दो लड्डू, चार लड्डू, उसके ऊपर एक दो लड्डू, फिर दो लड्डू, यानी टोटल आठ लड्डू रखे, तो बीच में जो जगह खाली होगी दैट खाली जगह विल बी 100 - 52 यानी 48%, इसमें कितनी जगह खाली होगी 48% खाली जगह। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, ये बिजली की गर्जना की आवाज आपको आ रही होगी, तो ये आपकी खाली जगह है, तो आप खुद देखो कि मौसम कितना खराब है, फिर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं आ रही, फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लाइक बनता है आपका, ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब बीसीसी की बात करते हैं, बीसीसी का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, चार लड्डू नीचे रखे, एक उसके ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर, हालांकि इस तरह से रखना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आप इमेजिन करो, ये आपके चार लड्डू, एक लड्डू, दो, तीन, चार लड्डू, ठीक, उसके ऊपर एक लड्डू, फिर उसके ऊपर एक, दो, तीन, चार लड्डू, उसमें जो खाली जगह होगी दैट विल बी 100 - 68 यानी कितना होगा हमारा 32%, ये हमारी कौन सी है इसमें खाली जगह, 32% खाली है बीसीसी में, ठीक है, खाली, हमने लड्डू नहीं खाया, ठीक है, खाली जगह ये एम्प्टी स्पेस। अब हम अगर एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में 74% जो जगह है वो एटम्स जो है ऑक्यूपाई करे हुए, यानी बची कितनी हमारी 26% जो है ये एम्प्टी स्पेस है, किसमें, एफसीसी में। तो आप खुद देख सकते हो कि जो एफसीसी होता है उसमें जो खाली जगह होती है वो सबसे कम होती है, बीसीसी में उससे थोड़ी ज्यादा होती है, और जो सिंपल क्यूबिक होता है इसमें सबसे ज्यादा खाली जगह होती है। ऑलराइट, यहां तक बातें कोई क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो आप कमेंट करके जरूर पूछ ले, कोई दिक्कत हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्स वाई जेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है, तो नोट कर लो इसको। तो ये बात हमने ये कर ली है कि जो बीसीसी एफसीसी और सिंपल क्यूबिक था इसमें किस तरह का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन था। अब हम देखेंगे कि जो डेंसिटी होती है किसी भी हमारा जो यूनिट शेल है उसमें जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आवाज आई नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, बट काफी तेज आवाज आ रही है यहाँ पे। देखो डेंसिटी,
डेंसिटी की अगर बात करें तो हम सिंपल सी बात जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं चले आए कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान यानी जो मास है, मास को हम किस, देखो ये जो टोटल मास है, अब टोटल मास की अगर हम बात करें तो इसको हम चेंज किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि जो एक यूनिट सेल का मास होता है यानी उसमें जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एन इफेक्टिव। ठीक है, अब उस उन वो जो एटम्स होते हैं उनका मोलर मास, एक एटम का मोलर मास, सॉरी एक मोल, जो एक मोल एटम होता है उनका मास, अब एक मोल का ये मास लिखा होता है क्योंकि आपको तो वही पता होता है कि लाइक किसी भी हम कोई भी एटम ले ले, मान लो ऑक्सीजन के लिए ले ले, ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता होगा। ठीक है, कॉपर का मोलर, जो भी आपका, सॉरी ऑक्सीजन तो नहीं, सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे मान लो कॉपर की बात करें तो कॉपर का मोलर मास आपको पता होता है, उसका एटॉमिक मास नहीं है पता होगा, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, और दूसरी चीज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। ये होता है हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू एन इफेक्टिव इनटू मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर इनटू ए क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, ये डेंसिटी होती है। दूसरी चीज अगर हम यहां से ए क्यूब की वैल्यू लिखे तो क्या आ जाएगा, एन इफेक्टिव इंटू एम बटा एन ए इंटू रो, या ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एन इफेक्टिव इंटू एम बटा एन ए इंटू रो, तो की पावर 1/3। तो ये हमारा होता है रिलेशन बिटवीन जो लैटिस पैरामीटर है, यानी ए लैटिस पैरामीटर हमारा, या उसका जो हमारी यूनिट सेल है उसकी लेंथ है, तो लैटिस पैरामीटर और डेंसिटी में, इसको आप लिख भी सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर एंड डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर यानी ए एंड डेंसिटी। अब मेरे जैसा शॉर्टकट मत लिखना, ठीक है, बात क्लियर, इसको आप नोट कर लो। तो आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ आई होंगी, अगर बातें समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दूसरी चीज़ क्या है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कि प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ ये आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है आपको, जो कि आपको केवल इसी चैनल पर मिलता है और मिलता रहेगा फ्यूचर में भी। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपके लिए रोज लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आपका जो कोर्स है उसमें एक भी दिन का गैप नहीं होता, संडे मंडे चाहे जो दिन हो आपके लिए हर रोज लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर कोई बहुत विषम परिस्थिति अगर ना हो तो ही ये चीज़ चलती रहेगी, अगर किसी भी विषम परिस्थिति में तो हर इंसान को लीव लेनी पड़ती है, तो वरना आपके लिए रोज कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये मेरा आपका आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो में आज की प्रॉब्लम अगर कोई भी हो, आज की जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसमें कोई प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा और अच्छी चीज़ें बात करेंगे, अगली क्लास में हम लोग मिलर इंडाइसेस वगैरह पर बातें शुरू कर देंगे, और देखेंगे कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है, इन चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।